नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दुनिया में भारतीय हथियारों की बढ़ती धमक की। अब दुनिया के कई देशों के लिए ताकत, भरोसे और बेहतरीन तकनीक की गारंटी है मेड इन इंडिया वेपन। भारत में बने हथियारों को हासिल करने के लिए आज दुनिया के कई देश भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं, और पिछले कुछ वक्त में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने भारत के बने हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। आर्मेनिया के बाद अब ब्राजील और मिस्र आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में भी कई देश रुचि दिखा चुके हैं। अपने में ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज से एक दशक पहले की अगर बात करें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब ये बढ़कर 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी 10 साल में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 23% का उछाल आया है। आज भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे हथियार खरीदने में दुनिया भर के देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम की डील इसी उपलब्धि की एक पानगी है। ये मिसाइल सिस्टम बेहद खास है। ये निश्चित विजय का विश्वास है। ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। ये हिंदुस्तान का आकाश है। एक साथ चार टारगेट को ध्वस्त करने की सुपर पावर रखने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम बेजोड़ है। ये अपनी रफ्तार और विध्वंसक प्रहार से दुश्मन को पल भर में आकाश से धरती पर ला सकता है। यूं कहिए कि ये भारत के लिए अपने आयरन डोम से कम नहीं। आत्मनिर्भर भारत की शान आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना लिया है। दुनिया के कई देश आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्मेनिया के बाद फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र ने भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि इसी महीने इजिप्ट डिफेंस एक्सपो में भारत ने आकाश मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया था। भारत के रक्षा निर्यात में लगातार तेजी नजर आ रही है। कई ऐसे देश हैं, बात चाहे फिलीपींस की जाए, ब्राजील की जाए, इजिप्ट या अफ्रीकी के कई ऐसे देश हैं जो भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम का एक अनोखा परीक्षण किया जिसमें एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। अगर अलग अलग दिशाओं से मिसाइल के हमले हो रहे हैं, उन्हें कैसे नाकाम किया जा सकता है, इसका परीक्षण किया। और भारत एक अकेला ऐसा देश बना जिसने इस तरह का परीक्षण किया। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, और अब ये भारत के रक्षा निर्यात को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। दुनिया की दिलचस्पी आकाश डिफेंस सिस्टम में बढ़ने की बड़ी वजह है इसकी एक मिसाइल यूनिट से चार एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में चार मिसाइल होती हैं, जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं पर नजर डाले तो आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला कर सकती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और यूएवी को मार गिराने की क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो पूरी तरह हमारे देश में विकसित है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया। इस वक्त इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रही है। इसे बनाने में BEL, L&T और टाटा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मिसाइल सिस्टम वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स, हवाई अड्डे इत्यादि की सुरक्षा में तैनात की जाती है। इसकी मारक क्षमता, इसकी कारगर रेंज तकरीबन 45 किलोमीटर है, और इसमें इजाफा भी किया जा रहा है। ये इंक्लूडिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को टेक ऑन कर सकती है, और ये ध्वनि से तकरीबन दुगनी रफ्तार से ट्रैवल करती है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये सिस्टम 10 साल से ज्यादा समय से सेवा में है। पिछले कुछ सालों में आकाश मिसाइल सिस्टम के कई एडवांस वर्जन बनाए गए हैं।
फिलहाल देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG यानी न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है, ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता। आकाश NG मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख में LSE पर तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। अभी हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम की डील हुई है। दोनों देशों के बीच करीब 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का करार हुआ है। अगले कुछ महीनों में आर्मेनिया को इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आकाश मिसाइल सिस्टम में आर्मेनिया के बाद कई मुल्कों ने रुचि दिखाई है। ये हमारे देश के लिए एक बड़ी फख्र की बात है। जहां कुछ सालों पहले भारत हथियारों को इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, आज हथियारों की निर्यात भी कर रहा है। इससे रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे। जहां आज की तारीख में इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन को अहम माना जाता है, इसके कूटनीतिक फायदे भी होंगे। और जहां तक के आकाश मिसाइल सिस्टम का सवाल है, इसे मुल्क के हिसाब से ट्वीक करके इसके R&D में भी बेहतरी होगी। बता दें कि कुछ समय पहले आर्मेनिया ने भारत से पिनाका आर्टिलरी सिस्टम भी खरीदा था। पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है। इससे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी छोटी रेंज की आर्टिलरी से इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। भारत आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिलीवरी शुरू भी कर चुका है। पिनाका की पहली खेप को ईरान के जरिए आर्मेनिया भेजा गया था, लेकिन जब से भारत के पिनाका की ताकत आर्मेनिया के पास पहुंची है, तब से अजरबैजान के होश उड़े हुए हैं। दरअसल हाल ही में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाग पर कब्जा कर लिया है। तब से दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि अगर बात सैन्य शक्ति की करें तो अजरबैजान आर्मेनिया से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अजरबैजान के पास तुर्की और इसराइल के कई एडवांस वेपन सिस्टम है। इसके अलावा अजरबैजान ने खुद के कई हथियार विकसित किए हैं। इन सब के बावजूद आर्मेनिया के पास हिंदुस्तान के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मौजूदगी ने अजरबैजान की नींद उड़ाई हुई है। दरअसल अजरबैजान को मालूम है कि पिनाका का एक रॉकेट लॉन्चर 60 मीटर के एरिया में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये अजरबैजान के मिलिट्री बेस, आर्मर कॉलम और रडार स्टेशन को पलक झपकते मिट्टी में मिला देगा। यानी भारत के हथियारों को न केवल अब दुनिया खरीद रही है, बल्कि उन्हें अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी के अहम हिस्से की तरह इस्तेमाल भी कर रही है। पिनाका के बाद आकाश जैसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम के साथ भारत ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत और क्षमता का एक नया रूप उजागर किया है। मंजीत नेगी के साथ वीर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी देखिए, हाल ही में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक बेहद अहम इम्तिहान पास किया है। भारतीय वायुसेना ने कुछ दिनों पहले आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस एक्सरसाइज में आकाश ने एक साथ 4 टारगेट्स को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक ही मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। ये क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल सिस्टम में विकसित की गई है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी सफल फायरिंग टेस्ट किया है। यानी भारतीय सेना को यह कामयाबी हाल ही में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान मिली है। रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत की ये आसमान में और ऊंची छलांग है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन अस्त्र शक्ति के तहत मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है।
इस एक्सरसाइज में स्वदेशी आकाश मिसाइल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 4 टारगेट को ढेर कर दिया। भारत ने आंध्रा के सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन से आकाश मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। इस दौरान आकाश फायरिंग यूनिट को फायरिंग लेवल रडार, फायरिंग कंट्रोल सेंटर और 5 मिसाइल से लदे 2 आकाश एयरफोर्स लॉन्चर के साथ तैनात किया गया था। युद्धाभ्यास के दौरान 4 टारगेट एक ही दिशा से क्लोज फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ये चारों टारगेट अलग अलग दिशा में मौजूद 4 रक्षा ठिकानों को एक साथ तबाह करने के इरादे से स्प्लिट कर दिए गए। आकाश फायरिंग यूनिट ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग दिशा में बटे चारों टारगेट को ट्रैक करते हुए उनकी पहचान की। फायरिंग कंट्रोल सेंटर ने फायर का कमांड दिया। तुरंत 2 लॉन्चर से 2 आकाश मिसाइल टारगेट की तरफ दाग दी गई। उसी लॉन्चर से बाकी बचे 2 टारगेट के लिए 2 आकाश और दागी गई और चारों टारगेट हवा में तबाह हो गए। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की है। भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करके 30 किलोमीटर रेंज पर कमांड गाइडेंस के जरिए एक साथ 4 लक्ष्यों को ढेर कर दिया। अब भारतीय वायुसेना के पास ऐसी मारक क्षमता आ गई है कि अगर दुश्मन के कई जहाज एक साथ हमले की फिराक में हों तो उन्हें कैसे मार गिराया जा सकता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान ऐसी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जब आकाश मिसाइल सिस्टम में मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 अलग अलग दिशाओं से आते हुए जहाजों को मार गिराने की काबिलियत को साबित किया। और ये पहली बार ऐसा हुआ जब आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए कई टारगेट को एक साथ निशाना बनाया गया। आकाश की सबसे बड़ी खासियत है कि एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। बता दें कि अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया। जमीन से हवा में मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम भी भारत में ही विकसित हुआ है। इसे वायुसेना ने मेंटेनेंस कमांड की यूनिट 7BRD ने विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी समर एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार फील्ड परीक्षण किया गया। उम्मीद पर खरे उतरते हुए समर ने अपने लक्ष्य को तय वक्त में पूरी सटीकता से निशाना को भेदा। 2 से 2.5 मैक की स्पीड रेंज वाली मिसाइल को इस समर एयर डिफेंस से तबाह किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। खतरे को भांपते हुए इसमें एक साथ दोनों मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये इंडियन एयरफोर्स की खुद की बेस रिपेयर डिपो 7 और 11 ने इसको मिलकर इंडिजनाइजेशन के हिसाब से इसको डेवलप किया है। 2 से 2.5 मैक का इसका स्पीड है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। सिल्वर सिंगल सैल्वो भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और डबल सैल्वो भी इसको कंटिन्यूस फायरिंग में इसको लॉन्च किया जा सकता है। लो फ्लाइंग टारगेट्स यानी कि UAVs, हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम रहेगा और इसके अभी बहुत सक्सेसफुल ट्रायल्स कर लिए गए हैं। तो इंडिजनाइजेशन से तो ये बहुत फायदा होता ही है और इंडियन एयरफोर्स को भी ये फायदा रहेगा क्योंकि इसके मेंटेनेंस और स्पेयर्स और बाकी अवेलेबिलिटी भी बहुत आसानी से मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स को लड़ाई के समय में। बदलते वक्त के साथ युद्ध की नई चुनौतियों को देखते हुए भारत अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड कर उनकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। इरादा साफ है कि चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के साहसी योद्धाओं की तरह ही उसके शक्तिशाली हथियारों से कोई शत्रु बच नहीं सकता। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। देखिए, किसी भी जंग में जीत के 2 मूल मंत्र हैं। पहला जोरदार आक्रमण और दूसरा आत्मरक्षा। आक्रमण के लिए हिंदुस्तान के पास लॉन्ग और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, तो रक्षा करने के लिए S-400 आकाश और पृथ्वी जैसे ताकतवर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत को अभेद सुरक्षा कवच देने वाले ये डिफेंडर बाहुबली कौन कौन से हैं। Yeah.
आज दुनिया के कई देश अपनी हिफाजत के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जरूरत के हिसाब से शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शामिल है। भारत के पास तीनों तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें S-400 सबसे ताकतवर है और अब भारत लॉन्ग रेंज का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार करने में जुट चुका है। खबर है कि भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम होगा। इस सिस्टम को LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम दिया गया है। LRSAM बनाने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसा घातक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए दो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। एसेट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। वैसे चीन पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2-tier बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से लैस है, जो देश को 5000 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सुरक्षा प्रदान करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के इलाके में सबसे एडवांस रूप 2-tier डिफेंस शील्ड को माना जाता है, जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर भी पूर्ण विराम लगा देती है। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2-tier डिफेंस प्रोग्राम के तहत काम करता है। 2-tier डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस है। पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है। इसके अलावा भारत के पास स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी है। सीमा के आसपास अगर इस हथियार को लगा दिया जाए तो दुश्मन का कोई भी हवाई हमला नाकाम किया जा सकता है। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। मल्टीपल लॉन्चर से लैस और ऑपरेशन में बेहद आसान है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है पायथन 5 और दूसरी है डर्बी। दोनों मैक 4 यानी ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज स्पीड से उड़ती है, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। पायथन 11 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जा सकती है, जबकि डर्बी मिसाइल 23 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने में सक्षम है। पायथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पायथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं डर्बी 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत रखती है। भारत के ये ताकतवर डिफेंस सिस्टम बदनीयत पड़ोसियों को सीधा संदेश देते हैं कि अब भारत से उलझना उन्हें भारी पड़ सकता है। अगर अब वो भारत से उलझने की गलती करेंगे तो इसकी कीमत उन्हें भारत से बरसने वाली आग में खाक होकर चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।